और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है यूपी से। इस वक्त की बड़ी खबर, भूपेंद्र चौधरी बने यूपी बीजेपी के अध्यक्ष। बड़ी खबर, सारे संकेत, सारे जो इस तरीके से अनुमान लगाए जा रहे थे उन सब पर ब्रेक लगते हुए ये बड़ी खबर, नाम स्पष्ट हो चुका है। भूपेंद्र चौधरी भारतीय जनता पार्टी की ओर से उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बनाए गए हैं, ये बड़ी खबर। विकास चंद्रा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। विकास, अलग अलग तरीके की संभावनाएं और अलग अलग तरीके इसके सूत्र सामने आ रहे थे, लेकिन भूपेंद्र चौधरी का नाम एक बार फिर से जो है सामने लाकर बीजेपी ने सबको चौंका दिया, क्योंकि जिन नामों का संकेत मिल रहा था उनमें भूपेंद्र चौधरी का नाम सबसे लास्ट में नजर आया था। जी, निश्चित तौर पर इनका नाम सबसे लास्ट में नजर आया था और नाम को बहुत लेकर चर्चा भी नहीं थी, अटकलें भी नहीं लगाई जा रही थी, लेकिन इतना संकेत जरूर पार्टी की तरफ से मिल रहा था कि ये पश्चिम क्षेत्र से ही किसी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाएगा, क्योंकि जो जितने उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं या महत्वपूर्ण पद उत्तर प्रदेश में मिले हैं वो सब पूर्वी क्षेत्र से हैं या मध्य क्षेत्र से हैं, तो जो पश्चिम क्षेत्र है उसे भी संतुष्ट करना है। तो अब भूपेंद्र चौधरी का नाम सामने आया और भूपेंद्र चौधरी का नाम दो दिन पहले बड़ी गंभीरता से सामने आया और ये बातें सामने आई कि इन्हीं को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा और पश्चिम क्षेत्र से बनाने के पीछे जो कारण बताए जा रहे हैं कि एक तो ये जाट समुदाय से आते हैं और इधर सबसे बड़ी किसान जाति भी है, तो पश्चिम को संतुष्ट करना, किसान समुदाय को संतुष्ट करना, यानी पूरब और पश्चिम की राजनीति को संतुलित करने के लिए, यानी क्षेत्रीय संतुलन को बनाने के लिए भूपेंद्र चौधरी के हाथ में उत्तर प्रदेश की बागडोर को सौंपा गया है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, तमाम समीकरण जो है वो साधने की कोशिश की गई है, किसानों को भी फेवर में लेने की कोशिश है, जाट समुदाय को भी लेने की कोशिश है, लेकिन एक चीज मैं विकास यहाँ समझना चाहूंगी। इससे पहले आपको याद होगा केशव प्रसाद मौर्य का वो ट्वीट जो बेहद ही चर्चा का विषय रहा कि सरकार से संगठन बड़ा है, उस ट्वीट को अगर जोड़े और भूपेंद्र चौधरी के नाम को जोड़े तो क्या मैसेज नजर आता है आपको? ये देखिए, निश्चित तौर पर जब केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली आए और जाकर पार्टी अध्यक्ष से उन्होंने मुलाकात की और एक उनकी तस्वीर वायरल हुई और उसके बाद उनका जो बयान आया था कि संगठन बड़ा होता है, तो अटकलें लगाई जाने लगी। जब वो नड्डा के घर पहुंचे थे मिलने के लिए और तस्वीर सामने आई तो ये अटकलें लगाई जाने लगी कि हो सकता है कि केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया जाए, लेकिन फिर वो बात आगे नहीं बढ़ी और उसको लेकर के पार्टी की तरफ से कोई विशेष संकेत नहीं दिए गए थे। लेकिन तीन दिन पहले यह साफ किया गया कि भूपेंद्र चौधरी ही होंगे और पश्चिमी क्षेत्र को यह सौगात दिया जाएगा, क्योंकि देखिए एक बार फिर से किसान आंदोलन की सुगबुगाहट शुरू हो गई है, सरकार ने एमएसपी पर कमेटी बना दी है, उसकी पहली बैठक हो गई है और पहली बैठक के दिन ही पश्चिम के किसान दिल्ली पहुंच गए थे। तो बीजेपी चाह रही थी कि एक दिन से कई निशाने साध लें, पश्चिम क्षेत्र को भी संतुष्ट कर देंगे, जाट समुदाय में भी ये संदेश चला जाएगा जो सबसे ज्यादा आंदोलित था क्या किसानों के मुद्दे को लेकर कि आपके समाज का व्यक्ति अब अध्यक्ष है। तो मुझे लगता है कि इसी क्षेत्रीय संतुलन को साधने के लिए, जातीय संतुलन को बनाने के लिए भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का बनाया गया है। कल ही मुलाकात हुई थी भूपेंद्र चौधरी की जेपी नड्डा से और उसके बाद जो है कल से ही इस तरीके के संकेत मिलने लगे थे, लेकिन मैं अब तक के राजनीतिक करियर की अगर बात करूं और संगठन में पकड़ की बात करूं तो जरा समझाइएगा विकास कि भूपेंद्र चौधरी का अब तक का राजनीतिक करियर कैसा रहा है। देखिए, कल जब भूपेंद्र जयंती मामला था तो भूपेंद्र चौधरी को दिल्ली तलब कर लिया गया था, तलब नहीं किया गया था, इन्हें बुला लिया गया दिल्ली, तो ये स्थिति बिल्कुल साफ सी हो गई थी कि शायद भूपेंद्र चौधरी को ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। उसके बाद वो संगठन मंत्री बीएल संतोष से उन्होंने मुलाकात की और देर शाम यानी रात में जाकर के उन्होंने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी और उनके साथ एक व्यक्ति भी थे, दोनों लोगों की काफी देर तक मुलाकात हुई, बातें हुई और वहां से निकलकर वो चुपचाप चले गए, उन्होंने कहीं किसी से कोई बात नहीं की। तो उसके बाद से ये बातें साफ हो गई थी कि शायद अब उनको ये अध्यक्ष बना दिया जाए, लेकिन जहां तक राजकुमार भूपेंद्र चौधरी की अगर हम बात करें तो ये संगठन के बड़े ही मजबूत व्यक्ति हैं, संगठन में इनकी बहुत गहरी पैठ मानी जाती है और बीजेपी के लिए शुरू से ये काम बीजेपी में काम करते रहे हैं और जो सबसे बड़ी उपलब्धि इनके लिए जो एक प्लस पॉइंट कहा जा सकता है, जो मजबूत है जिसकी वजह से इन्हें अध्यक्ष का बागडोर सौंपा गया है, वो है इनके संगठन में काम करने का अनुभव और संगठन में काम करने का अनुभव ही इन्हें आज अध्यक्ष पद तक पहुंचाया है। तो मैं आपको बता दूं, जब ये किसान आंदोलन चल रहा था तो दिल्ली में जाट समुदाय की एक बहुत बड़ी बैठक इन्होंने प्रवीत वर्मा के घर पर बुलाई थी और इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था और उसी में हुआ था। विकास, क्या माना जाए कि इस चेहरे को चुनकर 2024 के मद्देनजर पश्चिमी यूपी के नेता को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी ताकि क्षेत्रीय समीकरण और जातीय समीकरण दोनों को साध सके भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए? निश्चित तौर पर देखिए, बीजेपी में कोई भी अब नियुक्ति हो रही है तो उसमें सभी समीकरणों को देखते हुए ही बीजेपी नियुक्ति कर रही है, चाहे आप देखें कि जब सरकार का उत्तर प्रदेश में गठन हुआ तो उसमें भी क्षेत्रीय और जातीय संतुलन को बनाया गया,
हाँ। अध्यक्ष का पद रह गया था, तो उसमें अब 2024 निशाने पर है बीजेपी के। हाँ। और बीजेपी कोई गलती नहीं करना चाहती है, और किसानों की वजह से, किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी अपना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने को कमजोर मानती है। हालांकि बीजेपी के नेता कभी स्वीकार नहीं करते हैं रिपोर्ट जो कमजोर है, और वो मानते हैं कि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश अगर मजबूत उनका अच्छी तरीके से हो गया तो फिर 2024 में उत्तर प्रदेश में वो इतिहास को दोहरा देंगे। और यही वजह है कि जाट समुदाय के व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष की कमान दी गई है कि पूरे जाट समुदाय को भी संदेश दे दिया जाए, किसानों को भी संदेश दे दिया जाए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। क्या इसको ऐसे भी देखें, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देखें तो वो पूर्वांचल से आते हैं, ऐसे में पूर्वांचल से मुख्यमंत्री योगी और पश्चिमी यूपी से पार्टी का अध्यक्ष बनाए रखना, ये दोनों ही क्षेत्रों को साधने के लिए बेहतर समीकरण नजर आता है? निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि यही वजह है कि पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अध्यक्ष बनाया है कि पूर्वांचल से खुद मुख्यमंत्री हैं, तमाम उनके मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं, और बाकी उत्तर प्रदेश के राज्यों से भी लोग अब पहले अध्यक्ष भी हुए हैं और मंत्री भी हैं। तो पश्चिमी यूपी को विशेष तौर पर संतुष्ट करना था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को संदेश ही देना था कि बीजेपी के लिए वो प्रमुखता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश बहुत महत्व रखता है, तो ये संदेश बीजेपी को देना था। और खासतौर पर जो मैंने पहले कहा कि चूंकि ये जाट समुदाय से आते हैं, जाट बाहुल इलाका है, और किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा सहभागिता जाटों की रही है, और कहीं ना कहीं विकास भूपेंद्र चौधरी का नाम सामने आने के बाद, ये चेहरा चुनने के बाद, आरएलडी और सपा का जो गठबंधन है जिसके जरिए 2022 में कहीं ना कहीं डेंट लगा था उस इलाके में बीजेपी को, उसको भी कहीं ना कहीं दरकिनार करके या उसमें भी बड़ी राहत जो है वो मिलेगी भारतीय जनता पार्टी को उसका असर कम करने में। बहुत शुक्रिया विकास विस्तार से जानकारी के लिए इस पूरे मामले को लेकर। तो ये आज की बड़ी खबर है, भूपेंद्र चौधरी भारतीय जनता पार्टी के यूपी के अध्यक्ष बना दिए गए हैं, पश्चिमी यूपी से आते हैं, जाट नेता हैं, तमाम समीकरण को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने चेहरे का ऐलान किया।